अपने ब्रह्मांड का स्वरूप क्या और कैसा है, आत्म जागरूकता क्या है, आत्म चेतना क्या होती है, इस प्रशस्त एवं अनंत विश्व का कोई सृजन करता है क्या? वेद कहते हैं हाँ, सृजनात्मक ऊर्जा है, चैतन्य है, जिसे हम भगवान कहते हैं। वो कोई भौतिक स्वरूप व्यक्ति में अभिव्यक्त न होते हुए उसका अस्तित्व विश्व के कण कण में मौजूद है। किसी वृक्ष का बीज यदि जमीन पर गिरता है तो उसे प्रकृति की शरण प्राप्त होती है। माँ धरती की कोख में बसा वो पानी व पोषण प्राप्त करते हुए पनपता है। कुछ ही समय में वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर छाया, आश्रय और फल देने लगता है। पुनर्जनन के लिए बीजों को उत्पन्न करता है, जिससे और बहुत सारे वृक्ष पैदा होते हैं। यही जीवन चक्र है। यही सूक्ष्म ऊर्जा जो एक बीज को प्रबल पेड़ में बदल देती है, ईश्वर या उच्चतम चेतना है। वो एक तत्व है जो सत्य या सिद्धांत का दर्शन कराता है। वेदों ने कभी भी ईश्वर को व्यक्ति स्वरूप में देखा नहीं है। ऋषिगण एक ही ईश्वर को अग्नि, सूर्य, प्रजापति इन नामों से संबोधित करते आए हैं। वो इस सृष्टि की सृजनशील ऊर्जा है। जब हम पहली बार आंख खोलते हैं तब हमारे लिए ये विश्व सत्य का रूप धारण करता है और हम आसपास के जगत को समझने की शुरुआत करते हैं। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों से तथा शिक्षा एवं अनुभवों से जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वही हमारे लिए सत्य या जगत बन जाता है। ऋग्वेद में नासदीय नाम का एक सूक्त है। इस प्रसिद्ध ऋचा में संपूर्ण सृष्टि निर्माण तथा उसके उद्देश्य का उल्लेख है। उसकी शुरुआत दिशा और काल इनके अस्तित्व के पूर्व में जो खड़ी थी उसके जिक्र से होती है। ये एक अव्यक्त दशा थी, इसलिए उसका नाम ना यानी नहीं और आसदीय यानी अस्तित्व रखा गया। जब कुछ भी नहीं था तब क्या और कैसा था? वो कौन या कौन सी शक्ति है जिसने ये सब कुछ निर्माण किया? और यदि कोई ऐसी सत्ता या शक्ति है तो उसका स्वरूप कैसा है? उसने इस जगत का निर्माण क्यों किया? वही भगवान है क्या? और अगर है तो वो दिखता कैसा है? वेदों की शुरुआत वैश्विक दिव्य शक्ति की अधिकार वाणी से नहीं बल्कि अस्तित्व के स्वरूप के परीक्षण एवं आत्मनिरीक्षण से है। मानव मात्र की परम सत्य के लिए जो चिरंतन खोज जारी है उसकी जांच पड़ताल एवं समाधान पाने हेतु चर्चा वेद करते हैं। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब क्या और कैसी स्थिति थी, इसकी जानकारी देते हुए सूक्त की शुरुआत होती है। जब वहां ना पृथ्वी थी ना आकाश, वहां ना वायु थी ना बादल, ना तो वहां अंधेरा था ना ही प्रकाश, ना दिन थे ना रातें। वो एक ऐसी घड़ी थी जब वहां कुछ भी नहीं था, ना सूरज ना चांद ना सितारे, ना ही कोई ग्रह, ना आकाश गंगा और ना कोई सौर मंडल था। अंतरिक्ष नहीं था और ना ही काल था। हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वही नहीं था। ये एक अव्यक्त स्थिति थी, शुद्ध चेतनामय स्थिति। ब्रह्म का मूल अस्तित्व इस प्रकार का था, केवल अमर्याद शुद्ध ऊर्जा अर्थात परमात्मा का वो अस्तित्व था। ये ऊर्जा आई कहां से और किस प्रकार की स्थिति में वो मौजूद थी? ये सृजनशील ऊर्जा उस चेतना में अंतर्निहित थी। उस ऊर्जा में सृजन करने की या अभिव्यक्त होने की यदृच्छा या अभिलाषा थी और इस इकलौते अस्तित्व से विश्व का सृजन हुआ। एको हम बहुश्यामः, इस प्रसिद्ध ऋचा में इसका वर्णन है। मैं एक हूं, अब अनेक हो। जो कुछ भी आज अस्तित्व में है वो सब कुछ उस अमर्याद संभाव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। प्रथम काल को निर्माण किया, फिर दिशाएं बनी, इस शून्य से फिर पंच महाभूतों का जन्म हुआ। इनके क्रम परिवर्तन एवं संयोजन से वो सब कुछ बना जो आज विश्व में दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्म का अंश है। अंतरिक्ष, काल तथा पंच महाभूतों की निर्मिति ये चिरंतन चेतना की अभिव्यक्ति है। सत्य और ब्रह्म एक ही है। सृजन का स्रोत एक ही है, अनेक नहीं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। विद्वान लोग अलग अलग शैली में उस तत्व का वर्णन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक नाम, व्याख्याएं, वर्णन और साक्षात्कार पाए जाते हैं। परंतु वेदों का प्रमुख कहना यही है कि कोई भी उस पवित्र चैतन्य का वर्णन संपूर्णतया यानी सही ढंग से नहीं कर पाया है। नेति नेति यानी कोई भी व्याख्या उस चितरंजन सच का सम्यक
और संपूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। इसी वजह से वेद कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म का सही एवं सटीक वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसे कोई चित्रांकित नहीं कर सकता, न ही उसकी कोई मूर्ति बना सकता है। कारण ये कि कोई भी प्रयास अपूर्ण साबित होगा। विश्व रचना का मूल अमर्याद ऊर्जा है, जो सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व भी मौजूद थी। अब जब विश्व का सृजन हुआ है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ब्रह्म अब उसके मूल स्वरूप में मौजूद नहीं है? क्या सारी ऊर्जा इस सृष्टि में अभिव्यक्त हुई है? इसका जिक्र पुरुष सूक्त में किया है। उसमें कहा गया है कि भले ही परमात्मा लाखों सत्ताओं या वस्तुओं में अभिव्यक्त क्यों ना हुआ हो, वो फिर भी अपने मूल स्वरूप में हमेशा मौजूद रहता है। शुद्ध पवित्र चेतना जो सृजन से पहले अस्तित्व में थी, आज भी उस मूल स्वरूप में उपस्थित है। यह स्थिति या अवस्था कैसे प्रतीत होती होगी? ब्रह्म निर्गुण है, मतलब उसके कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि भावना, इच्छा या लगाव आदि। निराकार यानी उसका कोई आकार या रूप नहीं होता। अनंत यानी जिसका अंत नहीं, ऐसा अमर्याद वो है। सर्व साक्षी यानी वो सर्वत्र मूक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद है। वो स्थिति निराकार रूप ही नहीं हो सकती है। वो किसी विशिष्ट आकार के बंधन से मुक्त है, और स्पष्ट है कि भगवान व्यक्ति न होने से पुरुष या स्त्री भी नहीं हो सकता। वो तो विशुद्ध ऊर्जा तथा चेतना है। वेदों के अनुसार उस ब्रह्म की एक झलक, प्रतिमा या झांकी अगर किसी को देखनी है, तो केवल दो उदाहरण बताए जा सकते हैं, जिससे उस वैश्विक ऊर्जा की कल्पना की जा सकती है। आकाश में एक सूर्य है और पृथ्वी तल पर अग्नि तत्व, दोनों ही ऊर्जाओं से भरे हैं और ऊर्जा के प्रतिबिंब भी हैं। सूर्य हमें दिन में प्रकाश देता है, हमारा अनाज उगाता है, सारे जगत को प्राण शक्ति से परिपूर्ण करता है, जो हमें जिंदा रखता है। अग्नि भी विशुद्ध ऊर्जा है, रात में हमें प्रकाश देती है, संरक्षण और आश्रय प्रदान करती है। यही वजह है कि वेदों में सूर्य या सवित्र और अग्नि को सम्मान दिया गया है। अंततः हम परमात्मा की झलक लोगों के कर्मों में या कृत्यों में देख सकते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत्, देवत्व को उसके कर्मों से जान लो। प्रेम, अनुकंपा, दया, इन भावनाओं में वो प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब हम इन उच्च भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तब वो ब्रह्म हम में कार्यरत है, व्यक्त हो रहा है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। हम कभी भी देवत्व को इन आंखों से नहीं देख सकते, न ही उसे इन कानों से सुन सकते हैं, परंतु मन द्वारा हम उसे संचारित हुआ अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम भगवान के विषय में जब बात करते हैं, तब आकाश की ओर देखते हैं। इसे वैदिक तत्वज्ञान का अवशेष समझना चाहिए, जिसमें सूर्य को दिव्यत्व की प्रतिमा माना गया है। हम सब उस संपूर्ण के भाग हैं एवं अनादिकाल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कभी भी अलग नहीं थे, हमेशा एक साथ ही थे। अपने जन्म जन्म के प्रवास के अनुभवों से हमें जो आकलन क्षमता प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार इस जगत की सत्यता हमें प्रतीत होती है, और वही जगत हमारे लिए सत्य है। हम केवल मानव मात्र ही एक साथ हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इस सृष्टि में मौजूद हर एक चीज, सारी वनस्पति, सभी जीव, सभी नदियां, सारे पर्वत, सारे सूरज, सारे चांद और तारे, ग्रह, हम सब एक साथ हैं। इस भव्य दिव्य योजना से हम ये सब कुछ है, और इसके परे जो कुछ भी है वो भी हम ही हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे सागर की एक बूंद में सागर के सभी गुण धर्म समाए होते हैं, वैसे ही हम में हमारे सृजनकर्ता परमात्मा के गुण धर्म समाए हुए हैं। हम ब्रह्म हैं, सृजन का कारण हम हैं, हम सत यानी चिरंतन सत्य हैं। यही जीव यानी आत्मा और शिव यानी परमात्मा की संकल्पना है। इसे अभिव्यक्त विश्व यानी प्रकृति तथा अव्यक्त चेतना यानी पुरुष के रूप में भी देखा जा सकता है। जीव या प्रकृति सृजन की गति में कार्यरत रहती है, वही शिव इसका मूक पर्यवेक्षक के रूप में निरीक्षण करते हैं। सृजन प्रक्रिया में उनका कोई सहभाग नहीं होता। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें हम हमारी मर्यादित समझ को उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जहां हमें साक्षात्कार होता है कि हम अमर्याद चेतना हैं। हम जीव नहीं बल्कि शिव हैं। इस आत्म साक्षात्कार की चाह उत्पन्न होने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है।
जो हमें समझाए कि एक अमर्याद ऐसे विश्व के हम हकदार हैं। हम धन्य हैं कि परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज के रूप में हमें ऐसे गुरु का लाभ हुआ है।